वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दिल्ली में कुल मिलाकर 3738 3738 केसेज हैं, जिसमें कल के जो मिलाए हैं वो 223 केसेज कल ऐड हुए हैं। कल 73 लोग रिकवर हुए हैं, कुल मिलाकर 1167 लोग, लगभग 32% लोग रिकवर हो चुके हैं जितने बीमार थे। और दिल्ली के अंदर जो बीमार हैं उनमें से 49 लोग आईसीयू में हैं और 5 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। सर, दिल्ली को लेकर क्या क्लैरिटी अगर आप दे सकें? दिल्ली वाले अभी कंफ्यूज हैं, केंद्र की गाइडलाइन आ गई है, किस तरीके से रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन रहेगा दिल्ली में? अभी देखिएगा, दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश में ही डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया है। और दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने क्राइटेरिया कि 10 से ज़्यादा केस किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर है तो उसको रेड माना जाता है। तो दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी रेड जोन में आते हैं। सर, कंटेनमेंट जोन के हिसाब से कुछ होगा? नहीं, कंटेनमेंट जोन के हिसाब से नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने जो किया वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से किया है, तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब करने से पूरी दिल्ली रेड जोन। सर, यानी कि हम मान के चले कि दिल्ली के लिहाज से अभी कुछ छूट नहीं मिलने वाली है और जो रेड जोन की स्थिति है जो बताई है, डिस्क्राइब की गई है केंद्र द्वारा, वही रहेगी दिल्ली? रेड जोन के अंदर जो जो छूट दी गई है वो सारी लागू होंगी, रेड जोन के जो भी नियम है वो सारे लागू होंगे। नहीं, रेड से ऑरेंज में इश्यू है ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कर रहे हैं और कंटेनमेंट जोन को नहीं कर रहे हैं। तो एक मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लो 4 कंटेनमेंट जोन है, 6 कंटेनमेंट जोन है, तो 5 ठीक भी हो जाते हैं, 1 रह जाता है। तो अभी तो मतलब आप 17 तक की बात करेंगे तो दिल्ली 17 तारीख तक रेड जोन में ही है। सर, माइग्रेंट लेबर को ले जाने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? कल स्पेशल 10 लोगों में 10 अधिकारियों की टीम भी बनाई गई है, कैसे मूवमेंट होगा दूसरे राज्यों में? देखिएगा, बाकी राज्यों से हमारी बातचीत चल रही है, जो भी वो हमसे कहेंगे हम अपनी तरफ से पूरी समर्थन उनको देंगे, सहयोग देंगे।